Hello everyone, once again welcome to our YouTube channel HR Medical Gyan. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोनोग्राफी से कैसा पता कर सकते हैं आप कि गर्भ में आपका लड़का है या लड़की। हर एक मदर जो होने वाली माता है उसको ये बड़ी जिज्ञासा रहती है कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सोनोग्राफी मतलब कि अल्ट्रासोनोग्राफी USG होती है उसकी सहायता से आप किस तरीके से पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल पर नए हैं और ऐसे अमेजिंग फैक्ट पाने के लिए मेडिकल से रिलेटेड हर प्रकार की इंफॉर्मेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक करना ताकि हमारे HR मेडिकल ज्ञान के आने वाले हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हर एक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी एक जिज्ञासा रहती है कि वो आपकी जो है गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग क्या होता है। हालांकि भारतवर्ष में इसकी लिंग परीक्षण कराना एक कानूनी अपराध है, मतलब कानूनी गैर कानूनी है, आप परीक्षण नहीं करवा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सोनोग्राफी की सहायता से आप एक पता लगा सकते हैं कि आपका जो होने वाला शिशु है वो मेल है या फिर फीमेल है। तो दोस्तों एक सर्वे हुआ था एक कंट्रीज में कि आपके जो USG होती है उसके आधार पर, जिसमें फीटल हार्ट रेट जिसको बोलते हैं FSR के आधार पर उन्होंने कुछ ऐसे सैंपल लिए, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर 1000 उन्होंने सैंपल लिए, उसमें से कितने FSR पे कितने बॉयज हुए, कितने FSR जो है उस पर गर्ल्स हुई। तो उसके आधार पर उन्होंने एक डाटा तैयार करके बताया कि आपकी जो USG की रिपोर्ट के आधार पर FSR के आधार पर कि फीमेल हो सकता है या फिर मेल हो सकता है। तो दोस्तों यदि आपकी जो फीटल हार्ट रेट है वो 140 नॉर्मल जो होती है वो 120 से लेकर 160 होती है बीट पर मिनट, उसके पीछे लिखा रहता है BPM। तो 120 से 160 BPM होता है, तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल रेंज है। बट यदि आपकी फेटल हार्ट रेट 140 से कम है, आप ध्यान से सुने, यदि आपको फेटल हार्ट रेट होती है 140 से कम है तो बॉयज है, और यदि 140 से ज़्यादा है तो वहाँ पर गर्ल्स होने का चांसेस है। ये एक सर्वे हुआ है उसके आधार पर उन्होंने एक्सपेक्टेड बताया है कि भाई जो सारी चीज़ें हैं कैसे क्या जो है सर्वे के आधार पर बताया कि फीमेल हो सकती है या मेल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं USG रिपोर्ट के आधार पर कि आपका आने वाला जो है वो बेबी है वो गर्ल्स है या मेल्स। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही अमेजिंग हर एक इन्फॉर्मेशन जो कि मेडिकल से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं तो बेधड़क इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं और किसी एक ऐसे मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तभी थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय।